नमस्कार सभी उत्तराखंड के भाइयों को, बहनों को, बुजुर्गों को, युवा साथियों को और हमारी जो वर्तमान पीढ़ी नई पदार्पण कर रही है संस्कृति के काम में, गायन में, नाटक में या अन्य किसी विधा में, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। नमस्कार। पचहत्तर से भी पहले की बात है, जरा सा मेरे ख्याल बहत्तर तिहत्तर की है। डॉक्टर हमारे ठहरे ब्रजनलाल शाह जी एक होते थे, कवि थे वो, और एडियो कल्चर बने वो हिंदुस्तान के आज़ादी के बाद। अच्छा। मुनशहरी के। हाँ, तो उन्होंने मुझसे कहा, यार हीरा सिंह तो खाली घूम रहा है यार, क्या कर रहा है, तो ऐसा करा अपने चार पाँच आदमी ला और मैं तेरे को उत्तराखंड घुमा देता हूँ। मैंने कहा तुम कैसे घुमाओगे? बोले मैं गीत और नाटक प्रभाग में इसका डिप्टी डायरेक्टर हूँ लखनऊ के, तो एक प्रोग्राम एक दिन का तेरे को करना पड़ेगा और पूरे उत्तराखंड में घूम के आ जा, मनारी भाली से लेके धारजोला तक जी। तो पूरा 365 प्रोग्राम थे वो सब। अच्छा। वो लिस्ट भी थी, वो बहुत बड़ी लंबी लिस्ट थी। तो हम एक तरफ से शुरू हो गए तो हम फंस गए यहाँ उत्तरकाशी में। अच्छा। वहाँ उस वक्त बाढ़ आ गई, कोई 73-74 की बात है मेरे को लग रहा है, बाढ़ आ गई। वहाँ बाढ़ आ गई तो वहाँ आने जाने के लिए रास्ता बंद हो गया, गंगा भर गई कहीं पर, जाम हो गई वो जो आ रही थी वहाँ से, उत्तरकाशी से जो बहती है। वहाँ मिल गया मेरे को एक बेचारा हमारा कवि कोई सज्जन, उसका नाम है लीलाधर जोगुड़ी। अच्छा। वो लीलाधर जोगुड़ी टकर गया मुझे वहाँ उत्तरकाशी। बोले अरे हीरा सिंह तुम यहाँ कहाँ घूम रहे हो? अरे मैंने कहा यार ब्रजेंद्र ने एक काम दिया था और मेरे पास पैसा नहीं, टका नहीं, कुछ भी नहीं, मैं तो यहाँ परेशान हूँ और मैं चक्कर में इसको बेचने के चक्कर में हूँ ताकि हम यहाँ से बाहर निकलें। अरे उन्होंने कहा यार सर क्या बात है यार, तुम तो कभी आदमी हो, कभी किसी कमीशन में मिलोगे तो दे देना। उन्होंने 5,000 रुपये उठाया और मुझे दिया, बोले अच्छा। तुम यहाँ से लेके रानीखेत चले जाओ, रानीखेत हमारा अड्डा वो था, हेडक्वार्टर। तो उस जगड़ी ने मेरी मदद करी साहब। उसके बाद फिर ये क्रम चल गया उत्तराखंड आंदोलन का। हमको 89 में मिले, हाँ 79 कह सकते हैं उसको, 79 के बाद ये डीडी पंत और ये जसवंत सिंह बिष्ट। अच्छा। हमारे जो एमएलए होते थे रानीखेत से, इन्होंने बोला यार हीरा सिंह चलो यार हमारे साथ, जरा हम ये उत्तराखंड का गठन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो फिर उत्तराखंड में क्या होगा भाई? उन्होंने कहा हम अपना राज्य बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अब तब तक हमको ये भी शुद्ध नहीं ठहरी राज्य बनाना है, क्या करना है, ऐसे ठहरे गीत गाने वाले। तो जिस वक़्त ये मैं किसी पंत के साथ था, जब उसने कहा जगह होगा ले लो, तो उस वक़्त हमारे हिंदुस्तान की आज़ादी को 25वां साल था। अच्छा। इतना याद है मुझे, सन कौन सा था मालूम, 74 या 75 के आसपास की बात है। तो इन्होंने एक एक पत्थर रखा, एक शालम में रखा जयंती में जी। एक पत्थर रखा देघाट में, एक पत्थर रखा हमारे शालडे में। अच्छा। तो ये 1942 में क्रांति हुई थी, मुझे गोलीकांड जो हुए थे, पहला कांड हुआ ये देघाट में 8 अगस्त को, 9 अगस्त को यहाँ हुआ बम्बई में। तो यहाँ हमारे गोविंद वल्लभ पंत जी को, इनको सबको अंदर डाल दिया। तो देघाट वालों ने पहले कांड किया ये। अच्छा। वहाँ पटवारी हटवारी को इधर उधर भगा भूगो कर ऐसा कुछ किया, उसने गोली चला दी, उसमें आदमी मर गए, एक दो आदमी मर गए। उसके बाद सालम में हुआ ये, वहाँ भी नरसिंह धानक ऐसा कुछ नाम था उनका, वो भी मर गए, दो आदमी वहाँ मर गए और 4-5 आदमी हमारे शल्ड में मर गए 5 सितंबर को। तो उनके उपलक्ष में पत्थर डाले जा रहे थे। तो मेरे को पंजी ने कहा यार इस वक्त कोई गाना वाना गा सकते हो तुम? मैंने कहा गाना तो गा सकता हूँ पर वो आपके समझ में आएगा कि नहीं आएगा, कोशिश करता हूँ। तो एक दो दिन लगाए मैंने, तो कल्पना कभी कभी उसकी ऐसी मेहर होती है जी। 25वां साल था और हमारी आज़ादी का, और आप तो विद्वान आदमी हैं, ज़रा हिसाब लगाना क्या है ये। आज काल हरे ज्वाना, आज काल हरे जी, आज काल हरे ज्वाना स्वतंत्रता जी, मेरी नौली प्रणा।
मेरा मन कह रे बाना मेरी नौली प्राणा है, मल भल करई दाना मेरी नौली प्राणा, मल भल करई दाना मेरी नौली प्राणा। जब जै छसुआ बट में छटका ने छोड़े के, स्वतंत्रता क्या चीज है, जब जै छसुआ बट में छटका ने छोड़े के, सब चाहिए रे जानी तेर मेरी जोड़े के, सब ले गोते पारी ध्याना मेरी नौली पराणा, सब ले गोते पारी ध्याना मेरी नौली पराणा। यो रूप के छो जो भन, 25 वर्ष की आजादी क्या होती है, 25 वर्ष की महिला क्या होती है, अंदाजा लगाइए। यो रूप के छो जो भन भर मत हरे सब, मेरे गाँव गाड़ का नंतिन तेर भक्त हरे सब, मेरे गाँव गाड़ का नंतिन तेर भक्त हरे सब, हिट था विद्युत रो थाना मेरी नौली पराणा। स्टैचू हिट था विद्युत रो थाना मेरी नौली पराणा, आजकल हरे जो ना मेरी नौली पराणा। अब हमसे लोग कहते हैं उन्होंने यार तुम्हारा कोई अफेयर था, तुम्हारा कोई कुछ था कुछ था, हकीकत में ये था। इसके बाद सुभाष भारद्वाज ने पूछा है, सब कुछ मिट सकता है इस नश्वर संसार में, मगर आपकी गायकी के सुर अमर रहेंगे, आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो उनको गुनगुनाएंगी आपके गीतों को, आप में कुछ तो खास है औरों से। हीरा सिंह जी आपको बहुत प्रणाम। इन्होंने ये धन्यवाद भाई, अगर आप ऐसा सोचते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे सुर परमात्मा के दिए हुए हैं। आज तानसेन का नाम है जी, तो मोहन उपाध्याय जी को हमारे पहाड़ का तानसेन कहा जाता था जी, हालांकि इतना गला उनका मीठा नहीं था जी, लेकिन वो संगीत के इतने जानकार थे जी, बहुत ज़्यादा। तो मैं, मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं उनके साथ रहा हूँ और मैंने उनसे कुछ सीखा है, ब्रजेंद्र दाजू से सीखा है, कविता कैसे लिखी जाती है जी, कविता का महत्व क्या है जी। अब ये प्रश्न तो खैर बहुत पहले हो चुका है। हाँ। एक व्यक्ति अभी भी है या रायपुर में है, वो देहरादून से उधर कहीं रायपुर आता है एक इलाका, वो लड़का एक मुर्गी फार्म में काम करता है, ये क्या बोलते हैं इसको, जहाँ ये मुर्गी का फॉर्म क्या बोलते हैं, कुछ बोलते हैं उसको, उसके अंदर विशेषता ये थी कि वो अंडे को देख के बता देगा इसमें जनाना है कि मर्दाना है। अच्छा। हाँ, वो अभी जीवित है। क्या बात है। हाँ, तो पिछले उसने 4 साल पहले मेरे को बुलाया, तो उसने सबसे पहले मेरे को ये कहा कि ये अली ली 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 क्या है यार, ये बकवासबाजी। ये उसका पत्र मैंने दिखाया उसको, कहने लगा हाँ यार मैंने लिखा था, लेकिन अब समझ में आ रहा है ये क्या है। अच्छा, ये एक आखिरी सवाल ले रहा हूँ। RP कांडपाल हैं, ये कह रहे हैं कि एक बड़ा सोचनीय प्रश्न है कि उत्तराखंडी गीत संगीत के बदलते दौर में आपने गीत गाना व लिखना क्यों बंद कर दिया, क्यों छोड़ दिया, जबकि एक वर्ग आज भी आपके गीतों को सुनता है, इंतज़ार करता है आपके गीतों का। अगर बात करें अन्य कलाकारों की, तो वो अभी भी नई पीढ़ी के साथ मिलकर बहुत काम कर रहे हैं, तो आपने क्यों छोड़ा? छोड़ा नहीं है जी। अब मेरे अंदर कमजोरी क्या है कि मैं YouTube नहीं चेक करता हूँ जी, Facebook नहीं चेक करता हूँ जी, इससे मेरे को क्या है कि एलर्जी है। हाँ। एलर्जी यूँ है, बीच में हमारे नरेंद्र नेगी जी बीमार हुए थे, उनके लिए श्रद्धांजलि पहले ही डाल दी उसमें। हाँ। मेरे को इतना दुख हुआ मैं बता नहीं सकता आपको, ऐसे ऐसी चीज़ें डाल दे रहे हैं जो न पढ़ने में अच्छी है न कुछ करने में। हाँ, मीडिया जैसे आप हैं, मैंने आपको समय दिया जी, आपने मुझसे जो पूछा मैंने बता दिया, अब मैं YouTube के पीछे लगा रहा हूँ, मैं अपना पैसा लगाऊँ वहाँ गाऊँ, लोग उसको फिर कमेंट्स करें ये हो रहा है वो हो रहा है, क्यों भाई? तो मैं, मेरी गीतों की ज़रूरत है तो मेरे पास आओ, रिकॉर्ड करो। हाँ। ले जाओ मुझे स्टूडियो में, क्या सुनना चाहते हैं सुनिए, मैं ना थोड़ी करूँगा। अरे भाई, ये गला तो मुझे परमेश्वर ने दिया है। हाँ। सबको बांटने के लिए दिया है जी। ये मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं है जी। कल हम चले जाएंगे, क्या करना है इस गले का? अरे कई लोग अल्लाह मंगेशकर बीमार बेचारी पड़ी है बेचारी इस वक्त। हाँ। तो अब क्या कर सकती हैं, उन्होंने जो कुछ देना था दे दिया, अब भी फिर भी वो अगर अच्छे हो जाएंगे तो हो सकता है एक आध गाना और दे दें। तो जो हम देना चाहते हैं उसको लेने वाले जो लोग हैं इक्का दुक्का हैं, आरती कांडपाल जैसी या कोई भारती कांडपाल जैसी जी। लेकिन यहाँ तक कौन आ रहा है यार, आने जी तुम फलाना ये तुम्हारी नई रचना क्या है, गीत रिकॉर्ड करते हैं चलो यार वहाँ। कोई नहीं आता हमारे पास जी। और नया गीत सुनाओ,
अब पहले तो कैसेट था तब भी एक मामला था जी। अब यूट्यूब में कौन अपना पैसा लगाए, कौन जाए। अब मुझे क्या जरूरत पड़ी है इस उम्र में, मैं तो छोड़ ही रहा था इसको। मैं इसलिए छोड़ रहा था, मेरे 77 साल हो गए जी। मैं सच कह रहा हूँ जी, आपसे मैं कोई ऐसी बनावटी बात नहीं कर रहा। मैंने अपनी घरवाली से कहा, मैंने कहा भाई 3,000 रुपया महीना हमारी सरकार हमको पेंशन दे रही है, 100 रुपया रोज बहुत होता है मेरे लिए, मैं जा रहा हूँ घर और वहीं पर को लिखूंगा। तो आपका बहुत धन्यवाद है। नहीं, मैं आपसे कहने जा रहा था, नहीं नहीं, आपका आपके प्रति हम कृतज्ञ इसलिए हैं कि यहाँ बहुत कम लोग आते हैं जी, इस तरह से बात करने को जी। नहीं पर राणा जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी और आज यू नो फिर भी आपने समय दिया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। मतलब ये मैं कह सकता हूँ कि जीवन में शायद कुछ माँ बाप ने या कुछ ऐसा रहा होगा, या वो ऊपर वाला भी पता नहीं क्या मुझसे करवा रहा है कि आप जैसे लोगों से मुलाकात करवा रहा है। नहीं, अच्छा है इसी जीवन में। हाँ, तो मैं समझता हूँ कि यही अचीवमेंट। आप कोशिश करिए कोई अगर कुछ कर सकें तो हम भी उसमें सहयोग करेंगे। जैसे एक जीवन का वृत्त होता है ना जी, इस तरह की कुछ छोटी मोटी डॉक्यूमेंट्री टाइप की कुछ कभी बनाने की सोचिए, देखेंगे उसका क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।